हाय, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो ध्यान दीजिएगा, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल नंबर्स। तो इन सभी नंबर्स का हमें निकालना है क्यूब रूट। तो क्यूब रूट फाइंड करने के लिए सबसे पहला जो मेथड है वो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो आपके बुक में दिया हुआ है। और सेकेंड मेथड एक और है जो कि शॉर्टकट मेथड है, और उसका भी यूज़ हमें करना होगा कुछ क्वेश्चंस में, इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में। ओके, तो हम वो भी पढ़ लेंगे इसमें, लेकिन लास्ट में पढ़ेंगे, इस वीडियो के लास्ट में आप पढ़ोगे वो भी मेथड। चलिए स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन हम प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से फाइंड करते हैं इनका क्यूब रूट। तो ध्यान दीजिए कैसे करते हैं। पहले हम फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टर्स, उसके बाद हम बनाएंगे ट्रिपलेट्स फैक्टर्स का, आफ्टर दैट हम फाइंड कर लेंगे क्यूब रूट। फर्स्ट हमें मिलेगा 777। तो हम लिखेंगे क्या, सो क्यूब रूट ऑफ, क्यूब रूट को आप लिखेंगे 343 ऐसे, इज इक्वल टू, इसके अंदर जो है आप जितने फैक्टर्स हैं उसको रख लेंगे। तो 7 × 7 × 7 कर लेंगे यहाँ पर, 7 × 7 × 7। देखना है कि जो फैक्टर्स हैं उनका ट्रिपलेट क्या है, राइट, मतलब ट्रिपलेट कितने बने हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 7 का एक ही ट्रिपलेट बना हुआ है ये। तो जब ट्रिपलेट बना हुआ है तो यही ट्रिपलेट में से एक 7 जो है बाहर निकलेगा इस क्यूब रूट के साइन से, मतलब कि यहाँ पर होगा केवल 7। तो 7 इज योर आंसर। लेकिन 7 कैसे आता है, मतलब क्यों यहाँ पर ट्रिपलेट बना करके हम बाहर निकालते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो 3 पावर लिखा हुआ है इसका मतलब जो क्या है। देखिए यहाँ पर यदि a है और ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि a टू दी पावर है 1/3, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पर यदि हम सॉल्व करेंगे तो देखिए हमें कैसे मिलेगा, 3 पावर है और यहाँ देखिए 7 × 7 × 7 है, तो लिख सकते हैं इसको 7 to the power 3, राइट। और यदि इस फॉर्मूले का यूज करें तो क्या मिलेगा, 7 to the power 3 का होल पावर 1/3, राइट, मतलब कि 7 to the power 3 का होल अपॉन 1/3, यही बात हुआ ना, यदि इस कॉन्सेप्ट का यूज करें तो। तो यहाँ पर यदि आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, देखिए आपको जो है पावर्स मल्टीप्लाई करना पड़ता है एक्सपोनेंट रूल की हेल्प से। तो यहाँ पर हम 3 × 1/3 कर देंगे और यहाँ 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनली आपको 7 to the power 1 मिलेगा, जो कि 7 आंसर होगा। और इसीलिए हम यहाँ पर ट्रिपलेट बना करके बस एक ही जो है निकाल ले रहे थे और यही फाइनली आंसर आ जा रहा था। एक्चुअली आपको करना चाहिए इस तरीके से, लेकिन हम शॉर्टकट में ऐसा करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। क्यूब रूट ऑफ 2000 इक्वल टू, यहाँ पर यदि हम ट्रिपलेट बनाएंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 2 का बना यहाँ पर, 7 का यहाँ बना, तो हो जाएगा 2 × 7 मीन्स हो जाएगा 14, मीन्स दिस नंबर इज क्यूब ऑफ 14, आर यू कैन से दैट 14 इज क्यूब रूट ऑफ 2744। सो दिस इज आंसर फॉर सेकेंड। सो हम लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 4900 इज इक्वल टू 17। यहाँ पर देख रहे हैं कि ट्रिपलेट बन रहा है केवल एक ही, दैट्स वाई दिस मच इज 4913 इज क्यूब ऑफ 17, और यू कैन से दैट 17 इज क्यूब रूट ऑफ 4000। ट्रिपलेट बनाएंगे तो देखिए क्या मिल रहा है यहाँ पर, 2, 2 and 3, तो यहाँ पर निकला 2 × 2 × 3 क्यूब रूट से बाहर। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 × 4, 4 × 12 मीन्स 12 इज क्यूब रूट ऑफ 1728। तो यहाँ पर एक ट्रिपलेट लगाएंगे आप तो यहाँ बनेगा 3 का 11 का निकलेगा बाहर एक और यहाँ से 11, तो
क्या मिला यहाँ पर, 11 3 जो 33 मीन्स 33 इज द क्यूब रूट ऑफ 35,913 37। ओके नेक्स्ट, यहां से देखिए क्यूब रूट के अंदर से ट्रिपलेट बनाएंगे, हमारा 2 बार होगा और 13 होगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे 13 टू 26। सो 26 इज द क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर। ओके इसको लेकर के और इसको लेकर के, ओके 3 4 5 6 7 8 9 मीन्स 9 ट्रिपलेट्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 2 में, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 टू द पावर 9। या फिर इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 टाइम्स 2 को खुद में, तो यहाँ मिलेगा आपको 512। ओके तो 512 इज क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 512 जो है यहाँ पे आ भी रहा है। ओके तो हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन में जो क्यूब रूट होता है वो कहीं ना कहीं पर जरूर आता है। ओके नेक्स्ट, तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, देखिए 364 इज द क्यूब रूट ऑफ दिस। सो क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू 420। क्या आ जाएगा यहां पर, 3 2 6 6 3 जा 18 एंड 18 3 जा 54। सो 54 इज द क्यूब रूट ऑफ 15,7,464।
अब यहां बना लेंगे ट्रिपलेट, आपका हो जाएगा आंसर 3 × 5 × 7, 5 × 15, 15 × 7 = 105. सो 105 इज द क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर. आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों शेयर कर दीजिएगा और देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. ओके, थैंक यू सो मच अगेन, बाय.